आप देखना स्टार्ट कर चुके हो अर्न विद एसएस ट्यूब एंड मैं हूं स्वाति। नेक्स्ट जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो में टर्म आने वाला है वो है डीफाई 2.0। तो उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसका की प्राइस बहुत ज्यादा अभी कम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर डीफाई 2.0 के कैटेगरी का हम लोग बात करें तो वहां पर जो है फर्स्ट नंबर पे ये प्रोजेक्ट रोल आउट कर रही है एंड मार्केट कैपिटल जो है अभी सबसे ज्यादा है डीफाई 2.0 के प्रोजेक्ट में अगर बात किया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर ले प्ले टू अर्न सेक्शन का, तो वहां पर जो फर्स्ट से थर्ड नंबर तक प्रोजेक्ट रैंक कर रही है लाइक माना, सैंड, एक्जी, इन्फिनिटी, किसी का भी प्राइस जो है $1 से कम नहीं है। लेकिन इसका मार्केट कैप भी ज्यादा है और डीफाई जो ये आने वाला है फ्यूचर में बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाला है, फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो क्या इस प्रोजेक्ट का प्राइस $1 को टच कर सकती है या नहीं? तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या इसके रिसर्चर इसके बारे में बोले हैं कि $1 टच होगा या नहीं, सारी चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। फैब मंथ का जो यहाँ पे गिव अवे चलाया जा रहा था वो एंड हो चुका है, कल आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा यहाँ पे चैनल रेफर किए हैं उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दिया जाएगा, उसके बाद जो होगा उसको रैंडम लकी विनर एज ए चूज कर लिया जाएगा। इसी तरह का रिवॉर्ड और गिव अवे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो से पहले आपको सारा जानकारी वहां पे मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं DeFi 2.0 के जो प्रोजेक्ट है स्पेल, जो कि अभी फर्स्ट नंबर पे DeFi 2.0 में कैटेगरी में रोल आउट कर रही है। इसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो और ओनली 1 ईयर का हम यहाँ पर ड्यूरेशन लिए हैं। इसका ऑल टाइम लो जो रहा है वो देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 30 के बाद यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं एंड ATH जो 1 ईयर का रहा है वो पॉइंट के बाद 10 के बाद यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं। लेकिन अगर करंट प्राइस का बात करें तो पॉइंट के बाद 20 के बाद ही यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं। मीन्स कि इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई भी अभी नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, मिडिल में ये रोल आउट कर रही है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जिस तरीके से प्ले टू अर्न, NFT, मेटावर्स इस तरीके के प्रोजेक्ट में अभी बूम देखने को मिला है, अभी जो है नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है उसमें आपको DeFi 2.0 का जो प्रोजेक्ट होगा वो धूम मचाने वाला है। इसलिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। एंड अगर बात करें स्पेल प्रोजेक्ट का यहाँ पर, तो इसका यूज केस भी है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस कैटेगरी से यहाँ पे स्पेल प्रोजेक्ट बिलोंग करती है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से आगे एक्सप्लोर होने वाला है। तो अगर डीफाई वर्ड का हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो है फर्स्ट ओरिजिनल जो है। एंड यहाँ पर जो है DeFi 2.0 का क्यों नीड हुआ है, तो जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उसका अगर मीनिंग हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे राइट्स नहीं होता और फाइनेंस मतलब एसेट होता है। जैसे अभी किसी को आप फंड सेंड करते हो तो वहाँ पर बैंक मिडिल में आती है, मीन्स कि मेडिएटर बीच में आ जाता है। तो ये जो है 1-to-1 मॉडल नहीं हुआ, एक ऐसा यहाँ पे मॉडल है जो कि 1-to-1 मॉडल है, आप जिसको सेंड कर रहे हो और जो रिसीव कर रहा है बस वही रहेगा, बीच में मेडिएटर कोई नहीं रहेगा। 1-to-1 मॉडल को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोला जाता है, ये था। लेकिन उसका जो कुछ डिसएडवांटेज था उसको कवर करने के लिए यहाँ पे डीफाई 2.0 आया है। एक्चुअली में होता क्या था, अगर अपनी क्रिप्टो मार्केट की बात कर ले तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 1.0 जो था उसमें होता था कि लिक्विडिटी जो प्रोजेक्ट में ऐड किया जाता था वो हम लोग के द्वारा ऐड किया जाता था। वो कैसे, जैसे कि हम लोग स्टैकिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तो स्टैकिंग जो वहां पर कर देते हैं तो वो जो है लिक्विडिटी में ऐड हो जाता है, मीन्स की सिक्योरनेस। लेकिन हम लोग क्या, सब लोग ऐसे हैं, तो जिसको जिधर स्टैकिंग चार्ज ज्यादा मिलेगा लोग फिर उधर चल जाएंगे। तो इसमें होता क्या था, जैसे अभी ज्यादा यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर ले लिए पैनकेक स्वैप पे, पैनकेक स्वैप भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, और जो है कभी ज्यादा मिल गया तो हम लोग यूनिस्वैप पे मूव कर गए। इस तरीके जो है इन लोग का प्रोजेक्ट का बैलेंस गड़बड़ हो जाता था कि उनका जो है लिक्विडिटी वगैरह वो इस तरीके से मतलब ठीक से नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो उसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर आया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 2.0। इसमें क्या होगा कि प्रोजेक्ट के जो डेवलपर रहेंगे वही यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करेंगे, तो वो वहां पर जो है टाइम टू टाइम जैसे हम लोग उसको रिमूव कर देते थे वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनके प्रोजेक्ट ज्यादा जो है यहाँ पे सिक्योर रह पाएगा। तो अभी जिस तरीके से आपको NFT प्रोजेक्ट, प्ले टू अर्न प्रिंट और मेटावर्स प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है DeFi 2.0 का आने वाला है
तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लेके आए हैं और प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है मार्केट, मतलब कि लोगों का यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो इसका जो सारा केस स्टडी था मींस कि डीफाई 2.0 क्यों नीडेड है, सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है। अगर हम लोग बात कर लें इसका यूज केस का स्पेल का, तो अब राका डाबरा मनी एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जहां से कि आप लेंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो। उनके साथ यहां पर स्पेल टोकन का जो है कोलैबोरेशन है, तो वो सबको ये सब प्रोवाइड करती है, क्योंकि जिसके पास फंड नहीं रहते तो वहां से लेंडिंग बोरोइंग करते, जितना ज्यादा लेंडिंग बोरोइंग करते उतना ज्यादा रिस्क होता है और उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है। एक्चुअली में वो कह रहा है कि जिस तरीके से वो डिसेंट्रलाइज ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्पेल में जो है अप ट्रेंड देखा जा रहा है। एंड अगर जो है अभी के डेट में अगर बात कर लो अबड़ाका डाबड़ा मनी जो है डिजिटल फंड है, बहुत सारे मल्टी चेन प्रोटोकॉल है ये, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन से रिलेशन में है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हो इथेरियम, एवलांच, फैंटम, ये सारे पे है। तो मीन्स कि बहुत अच्छा इसका यूज केस भी चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या $1 को स्पेल प्रोजेक्ट टच कर सकती है। इसका सिंपल सा जो आंसर रिसर्चर के द्वारा दिया गया है कि इसका जो है सप्लाई अभी बहुत ही ज्यादा है, तो अभी तो कोई चांस नहीं है $1 को टच करने के लिए। लेकिन अगर इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट में यहाँ पे बर्निंग करती है टोकन का, तो श्योर ये $1 को जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अबड़ाका डाबड़ा मनी प्लेटफॉर्म जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, उसको भी और ज्यादा प्रोटोकॉल से यहाँ पे ब्लॉकचेन से कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी इथेरियम और एवलांच और फैंटम पे ही है, तो और ज्यादा यहाँ पे कोरिलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर होता है तो स्पेल प्रोजेक्ट जो है $1 को टच कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्द यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अगर बाय सेल करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो आप इजिली बाइनेंस और बजीरेक्स पे बाय कर सकते हो, और जितना करना है क्या करना है वो आपका खुद का यहाँ पे डिसीजन होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। किस तरीके से आपको ये जचता है वो आप पे डिपेंड करता है। एंड फाइनली गाइज, आप लोग से एक फिर वही रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत कंजूस हो चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक कमेंट तो क्या ही कीजिए, उससे आइडिया पता चल पाता है कि आपको किस तरीके से मैं हेल्प करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।